हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सुनाम में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके में एक नौजवान की मिली लाश, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। जालंधर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले दो पढ़े लिखे नौजवानों को किया गिरफ्तार। 7 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 4 आईफोन व नकदी की बरामदगी। और अब हलचल विस्तार से। सुनाम में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर मानसा रोड पर शहीद उधम सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने विशेष तौर पर पहुंचकर शहीद उधम सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भेंट की, जिसके पश्चात सुनाम के एक निजी पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, विधायक वरिंदर कुमार गोयल, लाभ सिंह उगोके सहित संगरूर इलाके के कई आप नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह जी थी बदले दी अग 22 साल अपने दिल च बाल के रखनी बहुत बड़ी गल है। इतों उन्होंने जलियाँ वाले बाग के मिट्टी चक के सौं खाधी कि मैं बदला लूँगा। कितों फिर यूरोप के होंदे हुए लंडन पहुँचे, जाके उत्थे कैंगस्टन हॉल के बदला लिया, तो अपना हथियार भी कहता, मतलब कि मेरा काम हो गया। सो इस तरह दियाँ कुरबानियाँ, इस तरह दियाँ लासानी कुरबानियाँ बहुत घट देखने को मिलती हैं। सो अज उन्होंने नतमस्तक होना है। मैं तो सतौज पिंड, मैं तो अज रात को प्रोग्राम होंदे होंदे सी बड़े बड़े कलाकार दे, उत्थे मैं अपने डैडी नाल आउंदा हुंदा सी। कुदरत है, अज उन्होंने श्रद्धांजलि देने आया। सर, केंद्र सरकार वालों शहीदां नूं शहीद दा दर्जा दवाउण लई किस तरह तुसीं? केंद्र सरकार कौन होंदी है शहीद दा दर्जा देण वाली? राष्ट्रीय नहीं जी, ये कौन होंगे ने सानू राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले? जे भारत रत्न शहीद उधम सिंह करतार सिंह सराभा या शहीद भगत सिंह दे दोगे तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ूगा। शहीद आजम भगत सिंह या शहीदा का तो साढ़े दिल च रुतबा पहले ही है। सो ये कौन होंगे ने एनओसियां देने वाले सानू कि कौन शहीद है कौन नहीं है? सो शहीद उधम सिंह जी नु लोड़ पऊगी केंद्र सरकार तो ये लिखाउण दी। उन्हां वास्ते कोशिश करते रहांगे। कुछ पाकिस्तान दे विच भी निशानियां पईआं ने ते क्योंकि उत्थे पोलिटिकल डिस्टरबेंस है अजे, ते उत्थे भी भगत सिंह होरां दे फांसी दे रस्से पए ने। भगत सिंह होरां नाल जुड़ियां हुई बहुत सारियां चीज़ां पईआं ने। मैं खुद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो उन्होंने चीज़ों बारे सोचता, मौका मिले तो जो संसद दे विच जो ऑर्डिनेंस लेके आ सकदी है केंद्र सरकार। तुसी पूरे देश दे विच गए सीगे अध्यादेश इन्हां शहीदां दी आत्मा नूं अज फिर सुकून मिलेगा। ये ऑर्डिनेंस की ने, इन्होंने इस काम वास्ते शहीदियां दित्तियां सी वी कोई बंदा आवे वह कवे मैं थोड़े ते राज करूँगा। लोकतंत्र मीनस डेमोक्रेसी किधर गई? फिर जे डेमोक्रेसी के विरुद्ध कुछ भी आऊगा शहीदां दी आत्मा तड़पूगी। पर क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश है, किसी बाप की जागीर नहीं हैगी किसी की, इस करके 140 करोड़ लोग देश भगत ने। वो जो फैसला सुनाउणगे हुण लोगों के हक च होणगे, लोक नायकों के हक च होणगे। पता की है भाई जी, देखो क्या जाने किस भेत में नारायण मिल जाए। भाई जी किसी का रंग हो रहा है, किसी का रंग हो रहा है। वो मुकेश का गाना सी ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रब को बनाने वाली दुनिया जैसा। मतलब रब ने पता नहीं केड़े भेस च दुनिया बनाई है।
अमृतसर के मोहकमपुरा इलाके के रहने वाले दीपक कुमार की लाश मकबूलपुरा इलाके में से मिली है, जिसका सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि 3 दिन पहले दीपक कुमार लापता हो गया था। उनकी ओर से मोहकमपुरा थाना में शिकायत दी गई थी, पर पुलिस ने उसकी तलाश नहीं की। अगर पुलिस उसकी तलाश कर लेती तो आज उसकी लाश ना मिलती। मृतक की पत्नी का कहना है कि वह खुद ही अपने पति की तस्वीर लोगों को दिखाकर उसकी तलाश कर रही थी, पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि दीपक कुमार का कत्ल किया गया है, वह कोई नशा नहीं करता था। जब वह घर से गया था उस समय उसके पास 10,000 रुपए थे, इसलिए पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी चंद्र मोहन ने कहा कि उन्हें एक लाश मिली है जो कि काफी खराब हालत में है। लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि उसका कत्ल हुआ है या नहीं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हसबैंड मैंने लापता आ गए शनिवार सवेरे 8 बजे दे ते घरे नहीं आए। 3 दिन तो मैं लभदी पई हां, मैं थाने में 3 बारी हो आई हां, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी उन्होंने, लिखी नहीं। हुणे आयो सवेरे आयो, 24 घंटे नहीं होए, ये नहीं होया वो नहीं होया, कभी दी फोटो लेके आओ, कभी अफसर नहीं बैठा, इदा दी बिल्कुल नहीं सुनी उन्होंने मोगमपुरे वाले ने। मैं क्या आवाज दा कभी होया नहीं, नहीं जी को तुरते फिरते आ जाएगा। मैं तुरते फुरते बिन्ने मेरे साल हो गए 12 साल ब्याह नूं, अज तक कभी होया ही नहीं। क्यों लागत बाजी किसे नाल लागत बाजी नहीं, इहदे कोल पैसा देगा ही जेब च। किन्ने क पैसे हैगे? 10,000 रुपया हैगा ही, ज्यादा ही होना वा, पर मैनूं 10,000 ही दस्सिया ही उन्होंने, कम दे पैसे ही। किस तरह लब्भे तुहानूं, की होया जी तुहानूं? के आपां उत्थे उत्थे इलाके च लभदे पए ही, लभदे लभदे सानूं कि जनानी ने कहा उत्थे पुलिस खलोती उत्थे लाश लभी है, जाके वेख लो तुहाडी ते नहीं है। ਜਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਹੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਜੰਗਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆ, ਯਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ? ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਬਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? घूम फिर के बच्चा तोड़ना है, मैनू कहते बच्चा तोड़ना वा, आपे लभ आ जाएगा घूम फिर के। मुलाजमां दी कताई है? हां जी, ए ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖੀ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖੇ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਂਕੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੇਟਿੰਗ ਨਿੱਕੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਘਟਨਾ? ਹੁਣ ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੋੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੱਸ ਕਾਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਫੋਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗਿਆ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 1 ਵਜੇ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫੋਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗਾ ਸਰ, ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਜੀ? ਮਗਮਪੁਰਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ? ਕਦੀ ਕੱਲ ਆਇਓ, 1 ਵਜੇ ਆਇਓ, 10 ਵਜੇ ਆਇਓ, 4 ਵਜੇ ਆਇਓ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ,
डेड बॉडी मिली की कंडीशन है, किस तरह की कंडीशन है जी? काफी ज्यादा खराब हालत है जी। ते लगदा कि काफी दिनों तो डेथ हुई पई जिहड़ी है डेड बॉडी? हां, पोस्टमार्टम बाद पता लगेगा जी। सर अनुसार की कार्रवाई की थी? जो भी बंदी कार्रवाई जी आपा ओदे मुताबिक करांगे कार्रवाई। सर बॉडी देख के पता लगदा कि मर्डर या के वैसे डेथ हुई? फिलहाल ते नेचुरल ही लगदी है कोई किसी तरह की। जालंधर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले दो पढ़े लिखे नौजवानों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि एनआरआई मैरिज सर्विस के नाम से एक वेबसाइट चलाकर विदेश में बैठे लोगों को फेक रिश्ते के प्रोफाइल भेजकर ये लोग ठगी कर रहे थे। अभी तक इनके 4 अकाउंट्स सामने आए हैं जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। आरोपियों की पहचान आनंद कुमार और रोहित कुमार के रूप में हुई है। ये लोग अपनी शिक्षा का गलत फायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। आरोपियों के पास से 7 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, 4 आईफोन व नकदी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है कि इनके इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਓਰ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ IPS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ADCP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਜੀਤ ਚਹਿਲ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ACP ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ CAE ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਲੈਪਟੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 7 ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਲੈਪਟੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 3 ਲੈਪਟੋਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, 4 IP ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਰਿਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ IDs ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 4 ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫੋਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ ਕਰੋੜ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ MSc ਇਹਨੇ IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
एंड इहदा जिहड़ा दूजा साथी रोहित है जिहदी उम्र करीब 26 साल है वह भी एम ए इकनोमिक्स का जिहड़ा हैगा उहदे कोल डिग्री हैगी एम ए इकनोमिक्स का स्टूडेंट है रहिण करके उहनूं भी इसदी फाइनैशियल जिहड़ियां चीज़ां हैगियां ट्रांजैक्शनस दीआं उहनूं भी काफ़ी इहदे बारे नॉलेज हैगी। इन्हां दी जिहड़ी वैबसाइट भी हैगी सी जिहड़ी हैगी ते उहदे विचों जिहड़ी इन्हां दी एन आर आई मैरिज सर्विसिज नाँ दे उत्ते जिहड़ा हैगा इन्हां ने ऑनलाइन अपनी जिहड़ियां सर्विसिज शो करदे सी जदों कोई वो उत्ते क्लिक करता सी तां जिहड़ा एड्रैस शो हुंदा सी वो अमेरिका दे टैक्सिस एरिया का जिहड़ा हैगा वो वाला इत्थे उहदे ते रिफलैक्ट हुंदा सी स्क्रीन दे उत्ते एंड जिहदे कि जल्दी लोग जिहड़े हैगे उहदे विच जिहड़े इन्हां दे झांसे दे विच आ जांदे सी। इन्हां दे वख वख सी जिथे किसी की हैगी कोई 50,000 कोई लख जे इन डॉलरस दे विच इन्हां दी जिहड़ी हैगी किसी तो $500 किसी तो $400 इस तरीके इन्हां दी जिहड़ी फीस रखी सी बट हुण तक दी ट्रांजैक्शनस जिहड़ियां कि उहनां दी डिटेल्स असीं बैंक्स तो लै रहे हां कि विक्टम्स कौन कौन सी एंड उहनां वल्लों जिहड़ा पैसा ट्रांसफर किया गया उहदा जिहड़ा हैगा किस तरीके नाल ACH किया जां किस तरीके नाल उहनां ने ट्रांसफर वायर ट्रांसफर की है वो सारा असी रैकड जिहड़ा है लै इन्हों का जिहड़ा हैगा पिछले जिहड़ा हैगा क्योंकि इन्हों वल्लों जिहड़े होर मुकदमे हले फिलहाल नहीं रजिस्टर होए सी इन्हां दे खिलाफ़ जिहड़े हुण तक दे रिकॉर्ड असी वाचन तो पाया बट असी जिहड़ा डुंगाई नाल असी कर रहे हां कि किस होर इन्हां ने किन्ने बंदियां नूं जिहड़ा हैगा विक्टम किन्नियां नूं बनाया एंड वो सारा असी क्योंकि हले साडे कोल अजे इन्हां नूं कल ही हले अरैसट किया एंड इन्हां दी डिटेल पुलिस रिमांड हासिल करके इन्हां दा जिहड़ा डिटेल दे विच पुछगिछ की जाएगी एंड जिहड़े विक्टम इस क्राइम दे बने हैं उन्हां नूं भी जिहड़ा हैगा शामिल तफ्तीश करके उन्हां तों भी जिन्नी इनफॉर्मेशन सानूं गैदर करन दी लोड़ हैगी उह उन्हां तों भी कीती जाएगी। जे हले साडे कोल दो बंदे अरैसट होए ने बाकी असी इन्हां दा वेरीफाई कर रहे हैं कि किहड़े किहड़े इन्हां दे कोई क्राइम दे विच कोई इनवॉल्व है सी जां इन्हां दा दो दा ही देखो हले जिहड़ी हैगी है बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज दे उत्ते इनवेस्टिगेशन हैगी है जो मैं दस्सिया कि पहलां विक्टम्स नूं असी उहदे विच शामिल करांगे ते जदों उहदे तों उहनां तों इनफॉर्मेशन साडे कोल कोई इनफॉर्मेशन गैदर हुंदी है कि फॉरनर कोई शामिल है तो उहदे खिलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। पीर बाबा शादी शाह की याद को समर्पित 127वां मेला बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया और भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सचिव तरुण चुग सहित अन्य अनेक अकाली भाजपा नेता और हजारों की संख्या में इलाकावासियों ने शिरकत की। शिरोमणि अकाली दल के SC विंग के जिला प्रधान दिलबाग सिंह की अगुवाई में आयोजित इस मेले में कबड्डी और कुश्ती मुकाबले करवाए गए और लोगों को नशे के खात्मे संबंधी शपथ दिलाई गई। इस मौके पर विक्रम मजीठिया ने नौजवानों को खेलों के साथ जोड़ने के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए सरकार को ऐसी जत्थेबंदियों का सहयोग करने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्रबंध किया गया कि नौजवान पीढ़ी को खेडा प्रति उत्साहित करना खेडा नाल जोड़ना चंगे वाले पासे जोड़ना चंगी सोच रखनी और इस गल के बधाई के पात्र ने सारे प्रबंधक वीर क्योंकि आम तौर पर यह महसूस किया जाता है कि जिथे एजुकेशन घट है या जिथे गरीबी है जिथे लोगों को दो वक्त की रोटी की घाट है उत्थे फिर जिमें आप अंग्रेजी से कह दें एम्प्टी माइंड इज़ अ डेवल्स वर्कशॉप मगर बड़ी तसली है कि अज इत्थे भी इन्हां नौजवानों के क्लब के वीरां दे उपराले सदके बच्चियां नूं चंगी सोच चंगी सेहत ते चंगे पासे जोड़न दा इह यतन कर रहे बहुत बहुत इन्हां नूं बधाई है और सरकारां नूं भी अपील है कि इह जे जिहड़े चंगे भले दे पासे कोई जोड़ रहा उन्हां
जथेबंदियों की सरकारों नूं मदद करनी चाहिए। अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग में शहीद उधम सिंह के शहीदी पर्व को समर्पित श्रद्धांजलि समागम करवाया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सर्व कंबोज समाज के प्रधान मंगल सिंह किशनपुरी ने कहा कि जलियांवाले बाग में जनरल डायर द्वारा किए गए जुल्म के कारण शहीद उधम सिंह ने इस बाग की मिट्टी उठाकर सौगंध खाई थी कि वे जनरल डायर से बदला जरूर लेगा, जिसके बाद शहीद उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को शहीदों के इतिहास से अच्छी तरह अवगत होना चाहिए, इसलिए जलियांवाला बाग में ये श्रद्धांजलि समागम करवाया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सिंह डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी। अज असी शहीद उधम सिंह का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। वो शहीद जिन्हें अपनी देश की खातर अपने देश की आन शान की खातर 21 साल की लगातार जदोजहद तो बाद जनरल डायर इंग्लैंड जाके मारिया और इस देश का इस बदला रहा इस मिट्टी का अब तुम देखते हो इतिहास ये वही स्थान है जिथे उन्हें हाथ रख के सहु खाधी सी लहू जी मिट्टी दी कि मैं इस मिट्टी की सहु खाना कि जे मैं जीता रहा और यह अंग्रेज डायर जू मारा। तो अज असी नमन करने वास्ते आए हैं। सेंट सोल स्कूल के बच्चे आए हैं, सर्व कंबोज समाज के लोग आए ने जेडे श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते आए हैं और अं सदा वास्ते उन्होंने याद रखा क्योंकि देश जोड़ा इन्होंने शहीदों की बदौलत ही जीता है। असं देशवासियों को कहना चाहते हैं कि साडा देश धर्म निरपक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी देश के वसनीक है और सानू रल मिल के इकट्ठे रहना चाहिए, सानू शहीदों को याद रखना चाहिए। आ जिहड़ा समारक बनया ये जो समारक बनया सीगा इत्थे एग्जिट सी लोग आते श्रद्धा के फुल भेट करते परंतु ये खिड़की बनाई गई ये गेट बंद किया गया जिदे नाल इहदा रस्ता बंद हो गया। साडी सरकार नूं अपील है कि आ जिहड़ी खिड़की है जदों खोली जाए इहदा रस्ता दुबारा बनाया जाए तां कि लोग इस शहीद को आके देखण याद करन और सदा वास्ते याद करन क्योंकि कौमां तां ही जिंदा रह सकदियां जे अपने शहीदां नूं याद रखणगियां। ये सेंट सोल्जर एलीट कॉमन स्कूल जंडाला कुल के बच्चे ने, यह बच्चे जिहड़े है असीं स्कूल दे विच इन्हां बच्चों नूं सिखा रहे हैं कि अपने देश दे शहीदां बारे याद रखो, उन्होंने कुरबानी नूं याद रखो। आ बच्चों तुसीं देखदे हो पोस्टर फड़े हुए आ, ये पोस्टर जिहड़े ने इन्हां बच्चों ने प्रोजैक्ट बनाया, किसी ने फोटो बनाई है, किसी प्रोजैक्ट लिखा है और लिखते बाद ये बच्चे जिहड़े आ इन्होंने इत्थे भी आए आ। असीं स्कूल दे कोल एक बगीची बनाई है, उहदा नाम रख्या शहीद उधम सिंह बगीची, जिहदे विच बूटे लाया और सदा वास्ते वो लोग बच्चे याद रखेंगे कि शहीद उधम सिंह जिहड़ा वा वो किड्डा वड्डा उहदी कुरबानी है। शहीदां नूं हमेशा ही उन्हों का ही दिल नहीं देखा दे, उन्होंने याद करना चाहिए। अज साडे सरदार मंगल सिंह किशनपुरी जंडियाले तो बच्चे लैके भी आए हैं जिन्होंने पिछले समय च उत्थे शहीद उधम सिंह बगीची नाँ का कोई दरख्त भी लगाए बच्चों को, कंबोज साहबा अंतरराष्ट्रीय कंबोज साहबा सारे पतवंते सज्जन इलाके के सदे, उस तो पहलों मालोवाल पिंड भी लाए है। दरख्त लाना बड़ी तगड़ी गल आ, जिते शहीदों याद करना उत्थे वातावरण साफ करन दरख्त लाना बड़ी तगड़ी गल आ। और अज भी स्कूल के बच्चे अपनी संधालगी भेट करने वास्ते अपना लिखती हाथ से वेख लो तख्तियां फड़िया वो लैके आए शहीद नूं याद करने वास्ते आए। यो ही नसल साडी आने वाले IPS PCS बस अफसर बनने आना, यो बच्चों ने आने वाले पौचक का हिस्सा बनना, इन्हों के हथ वागडोर जानी साढ़े हिंदुस्तान की। हूँ तक साड़िया जी सरकार अणगहलियां इनिया कि जे शहीद ने 3500 इतने जाना गई मशीन गन्ना अंग्रेजा ने इतने जिले बाग अंधा धुंध फायरिंग करके लोग मारते कुचलते उन्हों का इस धरती की मिट्टी तो कसम खाधी शहीद उधम सिंह ने, तो 21 साल बाद जाके उन्हें जनरल डायर इंग्लैंड उन्होंने मारिया। अज वह देख लो इधर खिड़कियां इन्हें लातियां आ इन्ह कमरे छत पे आ ना, इतने किसी सरकार ने साडा अज तक इन्होंने कोई बुत स्थापित किया ना, इन्हें बुत स्थापित किया ना इन्हें कोई किया। साडी अंतरराष्ट्रीय कंबोज सभा के जिले की कंबोज सभा अमृतसर ने यह बुत स्थापित किया, यदा सारी योग्यता खर्चा होया असी किया, कोलों सरकार सब सुती पई आ, सरकार ने कुछ नहीं होने ना आ काम आ बिल्कुल प्लेन हुंदा सी थां। कोशिश करांगे जे सरकार नूं असीं चैनल राही बेनती करते कि खिड़कियां हटाई जा, जी नवी सा जनरेशन वो शहीद
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਈਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਬੋਧ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੋਧ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਗਲ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਕਿਸਮਪੁਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी की अगुवाई में शहीद उधम सिंह का शहीदी पर्व शहीद के बुत पर फूल मालाएं अर्पित कर बड़ी ही श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा शहीद की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस मौके पर डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी ने कहा कि हमें शहीदों की सोच पर पहरा देकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए ताकि नौजवान पीढ़ी नशों को छोड़कर देश की सेवा करे। चंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सेंट सोल्जर स्कूल के बच्चे स्टाफ अपने शहीद सरमौर शहीद उधम सिंह का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं और सानू फकर है कि साढ़े समाज के विच ऐसा योद्धा उठा जिन्हें उन्हें उस कातल का बदला लिया जिन्हें जलियांवाले बाग के निर्दोष लोगों को कतल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮ ਲਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਕੋ ਲੇਕਰ ਬੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਚੁਣਾਵ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਬੀਚ ਸੰਪੰਨ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਮੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਤਦਾਨ ਮੇ 1119 ਮਤਦਾਤਾਓਂ ਨੇ ਮਤ ਡਾਲੀ, ਜਿਸ ਮੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ 754 ਜਬਕਿ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ 357 ਮਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ 397 ਮਤੋਂ ਸੇ ਵਿਜੇਈ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਿਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ
टोटल टोटल वोट्स की 756 जी बड़ी है और 397 वोटों से जी। जय श्री राम। मैं श्री रामलला कमेटी की ओर से सभी चौनी निवासियों का राम भट्टो का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज शिवम शर्मा को इतनी बड़ी मतदान देके उसको प्रभु राम की सेवा करने का मौका दिया और यही आशा करता हूँ पिछले साल की तरह इस साल भी तन मन धन से सभी राम भरत पूरा पूरन से जोड़ देंगे और ऐसे ही जैसे पिछले साल इतना भव्य दशहरा मनाया गया जलंधर छावनी में और इस बार भी उससे भी भव्य दशहरा जो है वो मनाया जाएगा। मैं सभी जलंधर छावनी के राम भट्टो का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 13वें दिन की प्रभात फेरी प्रकाश नगर मॉडल टाउन निवासी रसिक परिवार लवली कक्कड़ के घर से निकाली गई जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए वापस कक्कड़ परिवार के निवास स्थान पर आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस दौरान कक्कड़ परिवार के लवली कक्कड़, रूबी कक्कड़, दीक्षित कक्कड़, माधवी कक्कड़, प्रियल कक्कड़, सृष्टि कक्कड़ ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जीवन भर रही है एक एक क्षण स्वामी जी का गुमातम स्मरण करते हैं। हमसे परसों किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप गाय माता को लेकर गली गली क्यों घूमते हैं। हम कहने को तो कहते हैं गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, पर हम उसको निभाते नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है उससे भी पहले माँ सोचती है कि इस बार मैं लल्ला को ठाकुर बनाऊंगी। जन्म उत्सव मनाओगी पर वो ये भूल जाती है कि ठाकुर को क्या प्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 5 रुपये की जरूरत है पर उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं। तो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि हमें जागना होगा और खुद को तो जागना होगा और उनको जगाना होगा। सो आज पूरे भारतवर्ष पर ये विपत्तियां छाई हैं, ये दुख के बादल छाए हैं, उनके पीछे अगर मूल कारण ढूंढे तो हमारी माँ है और कोई कारण ही नहीं है। जिस घर की माँ दुखी
वो घर कैसे सुखी। तो जब राष्ट्र की माँ आज गलियों में रोड़ों पर प्लास्टिक खा रही है तो क्या राष्ट्र सुखी होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है हम हिंदुओं के लिए 120 करोड़ की आबादी होने के बावजूद लगभग 4 करोड़ से 5 करोड़ तक गो माता है और सक्षम परिवार अगर ढूंढे तो 12 करोड़ तो होंगे। अगर उनकी नजर इसके ऊपर नहीं तो नजर कौन लेकर जाएगा। ये स्वामी जी का संकल्प है कि एक एक घर तक ये आवाज पहुंचे शायद कोई सोई हुई आत्मा जाग जाए। ये अंतक प्रयास, अगर ये प्रयास सफल हो रहा है तो जो हमारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, जो हम तात्विक बुद्धि के कारण बुद्धि खराब हो रही है और सात्विक आराधना होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी भाव को लेकर परम पूज्य स्वामी जी ने ये संकल्प लिया कि इस बार 40 दिवसीय अजोजन गोस्वामी जयंती जन्मोत्सव देवी तालाब मंदिर माता के चरणों में मनाएंगे। शक्ति हमें माँ दे सकती है।